जगह थोड़ा तेज लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो याद रखना सजनों, द्रौपदी बोली बाबा, आज आप मुझे उपदेश कर रहे हो, मुझे उपदेश। एक बात बोलूं ना सज्जनों, पितामह कुछ बोल नहीं पाए, हमारे सब समझदार बुजुर्ग बैठे हैं, मैं एक निवेदन करूंगा। द्रौपदी का तर्क पितामह सज्जनों हंसकर सहन कर रहे हैं। पितामह बोले, बेटा जैसा खाओगे अन्न और वैसा बन जाएगा, बोलो मन। आप जैसा अन्न खाएंगे आपकी बुद्धि भी सज्जनों वैसी हो जाएगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्रसंग है। हेलो, तेरहवीं का अन्न जो बच्चे खाते हैं ना, 18 साल से कम उम्र के, मैं निवेदन करूंगा, मेरी बात सुन रहे हो तो बड़े मन से सुनना, 18 साल के कम उम्र के बच्चे तेरहवीं का अन्न खाते हैं उनकी बुद्धि विकृत होती है। कभी ऐसे 18 साल से नीचे के बच्चों को तेरहवीं का अन्न मत खाने देना। अन्न का बड़ा असर होता है जीवन में भाई बहन, आप जैसा अन्न खाएंगे बुद्धि भी आपकी वैसी बन जाएगी, हकीकत है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, एक गांव में चल रही थी कथा, द्रौपदी समझा रही है, पितामह कह रहे हैं, बेटा देख मैंने दुर्योधन का अन्न खाया तो मेरी बुद्धि बिगड़ गई, आज तेरे पति ने मेरे बाण मार मार के उस दुर्योधन के अन्न का रक्त सब निकल गया, अब मेरे अंदर मेरा रक्त बचा है, इसलिए प्रवचन कर रहा हूँ। अच्छा ये हकीकत है सज्जनों, एक जगह कथा हो रही थी बड़ी सुंदर, सभी सभी लोग गौर से सुनना। अच्छा कथा में सब कथा ही सुनने नहीं आते, कोई बहन भाइयों पांडाल देखने आता है, राकेश बाबू ने कैसा पांडाल लगवाया है, कोई बहन भाइयों सांग देखने आता है, कोई अपनी व्यवस्था देखने आता है, मैटी तो पूरे में चकाचक बिछी है, मनोआवेता लूट। अच्छा कोई कोई बहन भाइयों कथा सुनने आता है, कोई कोई भजन सुनने आता है, कोई कोई दृष्टांत सुनने आता है, कोई हासरस सुनने आता है, और कोई कोई अपनी पुरानी की नई कर ले जाता है, अपनी उतारे गो बगलवारे की। अच्छा जे भी चलता है कथाओं में, और ये हकीकत है सज्जनों, कहूं कथा है रही हो एक आध गड़बड़ जरूर होगी। बहुत दिन अंत खैर ना है भाई, लगभग साल दो साल से मेरी कथाओं में चप्पल चोरी नहीं भाई, पहले बहुत होती थी, क्योंकि अब लोगों को बहन भाइयों फैशन का वो जमाना है, पैसे की कमी नहीं है, वो सोचते हैं काहे को दूसरे की, पहले चलता था। और पहले मैंने देखी कथा में इस गांव में, मुझे एक चीज अच्छी लगी, थोड़ी बहुत गड़बड़ है वो कल सही हो जाएगी, कि आप लोग चप्पलें सब बाहर उतार के आए, कोई अगर अपने आस पड़ोस धरे हो तो कल लेते जो है गड़बड़ मत करें, वैसे सब बाहर है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं ये परमात्मा सामने भगवान हो, वहीं चप्पल रखी है बगल में, दोनों पे नजर रहेगी। मंदिर में मैंने देखी है लोग ऐसी जगह चप्पल उतारते हैं, कोई लेने जाए कि ना तो भगवान दिखे और चप्पल, अब पूजा करेंगे तब देखो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हाँ वो भी दिखे और वो भी दिखे, दोनों का भाव ऐसा है सज्जनों, ऐसा है। तो कथा हो रही थी, एक आदमी कथावाचक को टकटकी बांध के देख रहा, उधर ही देख रहा, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कथावाचक कैसे हो जाएगी, दृष्टि कैसी है, आदत कैसी है, तो देख रहा। अच्छा कथावाचक भी बड़े बने भाई, देखो हम अपनी कह लेते हैं, जहां में कहीं भी कोई बुराई ना है, चूंकि सज्जनों अगर हम अपनी नहीं कहेंगे खुद नहीं सुधरेंगे, तो जब को सुधारने का हमें कोई हक। तो कथावाचक को एक आदत थी कि हर 5 मिनट पे चेला लइयो बेटा शंख। अच्छा पब्लिक समझती महाराज जी शंख बजाएंगे, प्रभु पता है आप समझ गए होगे, तुम शंख क्या, शंख छापा चंते न खैनी, 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल तो फिर सुरती का देख कबार। ओ उसे रगड़ते रहते रगड़ते रहते रगड़ते रहते रगड़ते रहते, और महाराज जी जब तमाकू पूरी तरह से चटाक बन जाती है, अब जाको चूना कैसे जड़े, तो पब्लिक तो कहते भाई ताली बजाओ, पब्लिक ने ताली बजाई, चूना जड़ गो महाराज। अब चौकी तो होती है, देखो इतने जी बक्सा और बनवा लो, कछु करो बगल में काऊ ना दिख रही कछु, अब तमाकू मुंह में कैसे जाए, अब वो कथावाचक वाद तमाकू की, पब्लिक ने बोले सुनो सब करो राधे राधे, सबको महू प्रभाव नगी तमाकू अंदर, सच कहूं
तमाकू अंदर भई, अब उसकी लार बनी और लार तो बनेगी, अब जाए कहां लार, टपके कहां, कथा कहते कहते गद्दी पे गिर जाए कबूंग, वो आदमी नीचे देख रहा, पंडित जी उतरे गए कथावाचक, पैर में गिर गो लंबो लंबो, जय हो इंची को नगरा तो शुद्ध है वो बार, इतनी बढ़िया कथा कही है तुमने, पूरे गांव का उद्धार है वो सरकार, लेकिन कभी कभी तय मोहते जी का गिर जाता है। कथावाचक बोले जब तेरी इतनी हिम्मत, श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा, समझता नहीं। अब तो बहन भाइयों कथावाचक पूरे नाराज, बोले बे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम जब मैं कथा करता हूं तो मेरे मुंह से डायरेक्ट गंगा मैया बहती है। और बेव कचलागी ना कूड़ो कजाड़ो मिनरल वाटर हरिद्वार की और ऊपर की किसी के सके। अब तो बहन भाई वो आदमी बड़ा चालू, उसने कहा भाई वाह, मेरे गांव में कथा, मेरे गांव में गंगा, पूरे गांव का उद्धार है, कल देखूंगा तुम्हारी गंगा है। अपने घर गए सदनों, रात भरवाने कछु पीसा पासी करी, सवेरे आयो और आकर बोला महाराज मैं कछु लाया हूँ आपके ताई। बोले कहा लायो है? बोले आप ले तो सही। जैसे ही सजनो दयो हम चूरन सो धरयो बाने, कथावाचक ने मुंह में डारो सो बहुत बदबू और गंदा। भाई ये क्या है, कैसा कैसा प्रसाद है? बोले माफ करियो मेरे बाबा मर गए, हम लोगों ने प्लान बनाओ गंगा पे चढ़ाएंगे, पर ना ले जा पाए, खेत में जलाए दे सौ मन, उनकी हड्डियां धरी हमने कहा जे ले जाएंगे कचला पे। महाराज एक दिन को टाइम ना मिलो, रोज सोचते रहे अब ले जाए कब ले जाए, कल तुम्हारी मौत सुनी गंगा गांव में ही आएगी तो चू जाए कचला, वे सब हड्डी पीस पीस के सरकार तुम्हारे मुंह में भाई देंगे, अब तक तो उद्धार है वो बाबा तर गए, बाबा तो तर गए पर कथावाचक के मौत फिर कहूं गंगा खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। मैं यहां तमाकू खाकर, अच्छा एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, ये पैर बहन भाइयों इस पैर को जाने क्या होता, क्या गद्दी पे बैठे मुंह में तमाकू और पैर न्यू जे जामे को स्प्रिंग है का गाय वे की, मेरा तो हिलता ही नहीं, मैं तो पूरे दिन कथा करता हूं कभी नहीं हिलता देखा होगा, जाने का ये आदत डाली जाती है, फलाने फलाने को हिल रहा हो तो हमाऊ हिले, बहन भाई होते ही कह धरो चिमटा के पैर हिलो, तो बड़ा सुंदर भाव है, बड़े मन से श्रवण करें श्रोताओं, खुद सुधरो, ये व्यास गद्दी तमाकू खाने के लिए नहीं है, ये व्यास गद्दी बहन भाइयों पिच पिच करने के लिए नहीं है, ये व्यास गद्दी दूध पीने के लिए नहीं है। अच्छा सही बताओ, आप सब बैठे हो ईमानदारी से बताइयो, दूध पीवे के बाद झूठे होते हैं कि ना, वो तो बताओ हाँ या ना, तो देव पीछे जवाब मोए, झूठे होता है कि ना है, ये व्यास गद्दी झूठे होने की है, यहाँ दूध पी रहे तो झूठे है गए कि नहीं, व्यास गद्दी को अपमानित न करो, हैं जैसे तैसे तो सजनों जी आए पाई है यदुवंशन पे, और मुझे तो लग रही है कि बस यदुवंशन पे आ गई, अब भरमा रह रही है सजनों, जाके मन में जो आ रही है, कोई अपने सजनों अनार बेच रहा है, कोई बहन भाई हो नीमरिया पे आम आ रहा है, कोई सजनों कछुना है तो वो पपीता बेच रहा है, का है व्यास गद्दी फल बेच बे के। द्रौपदी ने कहा बोले बाबा सुनिए ये गलत है, माने का बेटा मैं मानता हूं कि मेरे अंदर कमी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर बेटा अब कमी है ना है, कमी थी मेरे अंदर से रक्त निकलेगा तेरे दुर्योधन को सब, अब मेरे अंदर मेरा अपना रक्त है, इसलिए मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं अब दोषी नहीं हूं, है भगवान सामने खड़े थे, पितामह जी ने केवल एक ही बात कही, इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से, अरे गोविंद नाम लेके गोविंद, भैया ये कुछ भजन ऐसे होते जिन्हें गाना चाहिए, आप लोग सभी ताली बजा के गाओ ना, पितामह कह रहे हैं हे गोविंद मेरे सामने आ जाओ, और पितामह ने कृष्ण को सामने कर लिया, सूर्य उत्तरायण हो गए, पितामह को लगा अब समय ठीक है जाने का, आहा कृष्ण को देख रहे हैं, सब ताली बजा के गाओ, और श्री गंगा जी का तट हो तेरे सर पर मोर मुकुट हो, श्री गंगा जी का तट हो
द्वारिका चले गए, पांडव बहुत दिन तक राज्य करते रहे।